ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है ग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देर आर द टू केस। फर्स्ट केस, बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम मेन पोजीशन। सिमिलरली सेकंड केस है, बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो हियर आई विल एक्सप्लेन यू द ग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम मेन पोजीशन एंड द सेकंड वन बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सेम इसी तरीके से आप लोग करके मुझे बताएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। व्हेन द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम मेन पोजीशन, तो सबसे पहले यू शुड हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज द ए साइन ओमेगा टी। व्हेन यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट, सो यू विल गेट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इफ यू वांट एक्सेलरेशन, देन डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आप इसको डिफरेंशिएट करके, अभी इसके जैसे प्रीवियस टर्म मैंने डिफरेंशिएट किया था, वैसे आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बिफोर ड्रॉइंग द ग्राफ, अपने को कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स जो लोकेट करने वाला हूँ यहाँ पे, वो मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आर इनिशियल टाइम, जब टाइम की वैल्यू जीरो था, उसके बाद टाइम तुम्हारा टी बाई फोर, फिर टाइम आपका टी बाई टू, फिर टाइम आपका थ्री टी बाई फोर, फिर टाइम आपका टी। तो उस टाइम पे ये अलग अलग पॉइंट्स मैंने ले लिया है यहाँ पे। बेटा जब आपका टाइम जीरो था, तो उस समय एंगल भी यहाँ पे टाइम जीरो, तो एंगल भी जीरो रहेगा। अगर एंगल टाइम जीरो, ओमेगा टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे जीरो पुटअप किया, तो साइन जीरो जीरो होता है, योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विल बी जीरो, योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ से डिनोट करता हूँ, इससे मार्कर चेंज करता हूँ मैं, तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी, पोजिशन विल बी हियर। ठीक है, वेन आपने टी की वैल्यू टी बाई फोर डाला यहाँ पे, टी बाई फोर और ओमेगा टू पाई बाई टी पुटअप करेंगे, तो एंगल की वैल्यू पाई बाई टू बनेगा। साइन पाई बाई टू वन होता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं, योर मैक्सिमम वैल्यू ए इज हियर। ठीक है, और मैक्सिमम लोअर वैल्यू विल बी माइनस ए विल बी हियर, ये माइनस ए है। तो आपका प्लस ए आ रहा है, इसका मतलब जब एंगल आपका पाई बाई टू है, यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ पाई बाई टू, ये जीरो था पाई बाई टू, और नेक्स्ट है पाई, उसके बाद है थ्री पाई बाई टू एंड लास्ट वन है टू पाई। तो जब एंगल आपका पाई बाई टू है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जब एंगल आपका पाई हुआ, तो साइन पाई जीरो होता है, आपका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, जब एंगल 3 पाई बाय 2 हुआ, 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, माइनस ए, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद में जब एंगल 2 पाई हुआ, तो साइन 2 पाई की वैल्यू अगेन जीरो, तो आप यहाँ पे जीरो पे आ जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट करता हूँ। व्हेन आई विल ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर, क्या होएगा कि ये पॉइंट्स जब आप ज्वाइंट करेंगे, तो सिंस ये साइन है, एक साइन कर्व आपका यहाँ पे ड्रॉ होएगा। इस तरीके से आपका एक साइन कर्व जनरेट होएगा। ऐसे, गॉट इट? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो इधर मैं एक्स लिखता हूँ, इधर टाइम आपका जा रहा है, तो एक्स टी ग्राफ हो जाएगा। सेकंड वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। वेलोसिटी में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, सेम है, एंगल पुटअप करेंगे, इनिशियल वैल्यू जीरो, बाद में वैल्यू आपके पाई बाय टू एंगल, देन नेक्स्ट एंगल इज द पाई एंड नेक्स्ट एंगल इज द थ्री पाई बाय टू एंड लास्ट एंगल इज द टू पाई। ठीक है, तो जब एंगल आपका जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ए ओमेगा आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव ए ओमेगा।
तो मैं प्लस ए ओमेगा ऊपर सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ और माइनस ए ओमेगा आई एम टेकिंग हियर। तो आपका प्लस ए ओमेगा है, इसका मीनिंग क्या हुआ यू नो? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी फर्स्ट वैल्यू इधर पे रहेगी, एंगल जीरो पे। एंगल पाई बाय टू है, कॉस पाई बाय टू जीरो, आपका यहाँ पे पाई बाय टू पे वेलोसिटी इधर रहेगा। पाई यहाँ पाई पुट अप किया, माइनस वन हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी एट द पॉइंट ऑफ माइनस वन। तो पाई पे माइनस ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी विल बी हियर। फिर नेक्स्ट थ्री पाई बाय टू पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया। नेक्स्ट टू पाई पे प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन हो गया। यू विल ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट, आप ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस। लुक एट हियर, अंडरस्टूड? तो लाइक दिस यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। दिस इज योर वेलोसिटी ग्राफ। लास्ट वन इज द माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी फॉर एसेलरेशन ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं लिखा, वैल्यूज साथ में लिखते चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो था, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका ए हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ, माइनस ए हुआ, जीरो हुआ। वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी सबसे पहले ए ओमेगा है, फिर वेलोसिटी जीरो है, फिर माइनस ए ओमेगा है, आप देखते जाओ, फिर आपका जीरो है, फिर प्लस ए ओमेगा है। सिमिलरली एसेलेरेशन की बात करते हैं, जब आप एसेलेरेशन पुट अप करेंगे तो सबसे पहले एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो, योर एसेलेरेशन वैल्यू विल बी जीरो। व्हेन यू विल पुट दी पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन, आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। थर्ड वन इज द एंगल पाई, साइन पाई जीरो, तो आपका अगेन जीरो आ जाएगा। फिर थ्री पाई बाय टू प्लस वन होता, माइनस वन होता, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ए ओमेगा स्क्वायर, लास्ट वन जीरो आ जाएगा अगेन। तो ग्राफ जरा इधर देखते हैं, सबसे पहले एंगल आपका जीरो था, फिर उसके बाद में एंगल आपका पाई बाय टू हुआ, नेक्स्ट एंगल विल बी पाई, एंड नेक्स्ट एंगल विल बी थ्री पाई बाय टू, एंड लास्ट वन विल बी टू पाई, लास्ट वन विल बी टू पाई। ओके, आफ्टर दैट अब इधर देखो जरा वैल्यूज को देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एसेलेशन इक्वेशन में जीरो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पहला आपका जीरो ऑप्टेंड हुआ आपको, ठीक है। फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इधर पे है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इधर पे ले लो, ठीक है। ये वैल्यू आपकी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आप ले लो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ए लास्ट में जीरो, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर ये जीरो। तो पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करते हैं ज़रा, तो जब आप ज्वाइंट करेंगे पॉइंट्स को तो आपका ग्राफ इस तरीके से जनरेट होएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ ज्वाइंट होगा, तो दिस इज योर एसेलेरेशन ग्राफ। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एसेलेरेशन ग्राफ, ग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। सिमिलरली फॉर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, सो योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका चेंज होगा, ए साइन ओमेगा टी की जगह पे ए कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सॉल्व स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कैलकुलेट कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।